दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह। आप सभी को पता है कि 16 जून 2024 को यूपीएससी आईएएस का एग्जाम होने जा रहा है। ऐसे में सीसैट को लेकर विद्यार्थियों में एक बहुत ही बड़ा डर भी है और खतरा भी है। तो आइए समझते हैं आज नंबर सिस्टम का एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही शानदार सा लॉजिक सीसैट यूपीएससी के लिए। देखिए, अगर कोई अगर आपसे कभी कहता है कि मान लीजिए कि हमने आपके सामने एक बात बताई कि अगर कोई कहता है कि मान लीजिए कि ये ए की पावर में 2 लिखा है और ये बी पावर में 2 लिखा हुआ है, तो इसका फार्मूला जो है, अगर कोई आपसे कहे कि इसको हमें डिवाइड करना है ए माइनस बी से, यानी ये जो आपका फार्मूला होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं, ये जो आपका फार्मूला होता है वो सबको पता है कि ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी होता है। यानी हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं आगे चल करके ए प्लस बी और a माइनस बी। तो हमने कहा कि ये a प्लस बी हो जाएगा और ये आपका a माइनस बी हो जाएगा, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे a माइनस बी से और कोई कहे कि आपका रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आएगा, तो आपको एक बात बहुत ही ध्यान से समझना होगा कि ऐसे सवालों में अगर आज के बाद से कोई कहता है आपसे कि देखो इसका ये वाला फैक्टर अगर इससे कट गया तो ये अगर बच भी गया तो ये बचा नहीं है, अगर ये आपने वंजा बोल दिया ऊपर कोई फैक्टर कट गया तो आपको अपना शेषफल हमेशा जीरो बोलना है, यानी इस बात को आपको समझना होगा। एक सवाल देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपसे कह दिया कि ये लिखा है 49 की पावर में 40 लिखा हुआ है और यहां पर ये लिखा हुआ है 1। अगर कोई अगर आपसे कहे कि ये वाला क्या जो है 48 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका शेषफल कितना आएगा, तो ये देख लीजिए ये आपका 49 पावर 40 है, 1 को हम क्या कर सकते हैं, हम पावर 40 में कह सकते हैं। देखो ये नंबर आपका इवेन नंबर था, तो इवेन नंबर चाहे यहाँ पे 2 आए, चाहे 4 आए, चाहे 40 आए, ये हमेशा जो है a माइनस बी यानी 48 से कटेगा। ये जो 48 लिखा है ये आपका 49 माइनस 1 यानी a माइनस बी है, यानी ऐसा कोई भी फैक्टर आएगा वो हमेशा a माइनस बी से कटेगा, और जब ये नीचे 48 है तो वो 49 माइनस 1 यानी 48 है, इसको काटोगे तो आपका शेषफल कितना हो जाएगा। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सवाल देखने के लिए हमारे चैनल यूपीएससी आईएएस भाई नीलेश सर को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सीसैट के लिए ऐसे सवाल आपको प्रैक्टिस करके जाना है। कल मुलाकात होगी किसी और बढ़िया और अच्छे लॉजिक के। नमस्कार।